कोरोना वायरस को लेकर रोज नई चिंताएं सामने आ रही हैं। हाल ही में अमेरिका यानी यूएस के ओरेगन में ब्रिटेन में मिले वायरस का एक नया प्रकार मिला है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। खास बात है कि ये प्रकार एक नए म्यूटेशन के साथ मिल गया है जिसके चलते इस पर वैक्सीन का प्रभाव कम होने की संभावना है। हालांकि जानकारों ने लोगों से और सतर्क और कोरोना वायरस को लेकर बुनियादी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं को अब तक ऐसे कॉम्बिनेशन वाला एक ही मामला मिला है, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस बताता है कि ये वेरिएंट समुदायों में फैला है, यह किसी एक व्यक्ति में तैयार नहीं हुआ है। ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के ब्रायन ओरोग बताते हैं, हम इस दुनिया के दूसरे हिस्सों से नहीं लाए बल्कि यह अचानक सामने आया है। रॉक और उनके साथी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साथ वेरिएंट्स को ट्रैक करने के काम में शामिल। उन्होंने खोज के बाद डेटाबेस को वैज्ञानिकों के साथ साझा कर दिया है। ब्रिटेन में मिले B.1.1.1.7 अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। वायरस का यह प्रकार वास्तविक रूप से ज्यादा संक्रामक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में इस नए वेरिएंट्स के चलते अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले मिलेंगे। ओरेगन में मिले नए प्रकार में इसी तरह की चीज के साथ एक म्यूटेशन E484K या EEK भी शामिल है। ये म्यूटेशन दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और न्यूयॉर्क शहर में फैल रहे वायरस में नजर आया है।